हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पद्मजा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही हेल्दी एंड बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट जो है पोटैटो ऑमलेट। ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार होता है और सुबह के भागदौड़ में इसे बनाना काफ़ी आसान है। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिए हैं दो छोटे साइज़ के आलू है, आप चाहे तो एक मीडियम साइज़ का ले सकते हैं। सबसे पहले हमको इस आलू को छीन लेना है। चलिए आलू को पहले छील के तैयार कर लेते हैं। इस तरह से आपको दोनों आलू को छील लेना है। आलू को छील लेने के बाद हम उसको अभी काट लेंगे। तो इसको काटने के लिए एकदम बहुत ही बारीक बारीक हम उसको काटेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। छोटे पीसेस में काट लेने से ये बहुत जल्दी बॉईल हो जाएगा। इस तरह से आपको दोनों आलू को काट लेना है। ये देखिए, इसका पीसेस ये कुछ इस तरह से कटना है। ये देखिए, चलिए दोनों आलू को हम इस तरह से काट के हम यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। आलू हमारा तैयार हो गया है, इसको हम साइड में रखते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम आलू को भून लेंगे। तो आलू को भूनने के लिए हम एक पैन चढ़ाएंगे। पैन में डालेंगे 2 छोटे चम्मच ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, 2 टेबलस्पून के आसपास यहाँ पे कटे हुए प्याज डालेंगे। प्याज को हम बहुत थोड़े से भून लेंगे, बस थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने तक। मैं यहाँ पर प्याज को भून के डाल रही हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट अंडे में भी डाल के बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो वैसे करिए। हमको ज़्यादा नहीं भूनना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा प्याज जो है वो थोड़ा सा भून गया है। इसमें हम डाल देंगे आलू को जो हम काट के रखे थे। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। मिक्स कर लेने के बाद इसमें हम डालेंगे अभी बहुत ही कम हल्दी, लाइक ए पिंच, फिर 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और ये थोड़े से सॉल्ट। सॉल्ट हमको बहुत ही कम डालना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमको उसको कवर कर लेना है। कवर करके आलू को अच्छे से पकने तक इसको हम कुक कर लेंगे। यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो गया है। यहाँ पे जो आलू है वो एकदम पक गया है। चलिए चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए हम यहाँ पे एक फोर्क लेंगे और इस तरह से इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आलू जो है वो हमारा अच्छे से कुक हो गया है। आलू को हम बाहर निकाल लेंगे और इसको साइड में रख देंगे। अभी एक बॉल में हम 2 अंडे को इस तरह से फोड़ लेंगे। मैं यहाँ पे 2 अंडा यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो 3 अंडा भी डाल सकते हैं आपके हिसाब से। अंडे को हम थोड़ा सा बीट कर लेंगे, इस तरह से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारा अंडा मिक्स हो गया है। इसमें हम अभी जो भून के रखे थे आलू वो डाल देंगे। अगर आप प्याज को भून के ना डालना चाहें तो इसी स्टेज पर आपको कच्चा प्याज भी डाल सकते हैं। अभी हम इसमें डाल देंगे थोड़े से हरा धनिया और ये पिंच भर सॉल्ट। सॉल्ट हम थोड़ा सा आलू में डाले थे, इस तरह से थोड़ा सा देख के डालना है। सबको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, मिक्सर रेडी हो गया है। ये देखिए, इसको हम साइड में रखते हैं। अभी हम एक पैन चढ़ाएंगे। पैन में हम डालेंगे 2 टीस्पून ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अभी हम अंडा का जो मिक्सर बनाए थे उसको हम इसमें डाल देंगे और इसको हम थोड़ा सा चारों तरफ से इस तरह से फैला देंगे। देखिए इस तरह से। अभी हम इसको कवर कर देंगे और लो मीडियम फ्लेम में 2 मिनट तक इसको एक साइड से पकने के लिए छोड़ देंगे। चलिए ढक देते हैं। यहाँ पे 2 मिनट हो गया है। कवर हटाते ही ये देखिए, इसका ऊपर का जो पोर्शन है वो इस तरह से हो गया, मतलब इसका एक साइड जो है वो अच्छे से पक गया है। ये देखिए, ये देखिए, ये एक साइड से हो गया है। आप इसको डायरेक्ट फ्लिप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह से प्लेट में फ्लिप करके हमको फिर हम इसको अभी आराम से ट्रांसफर कर देंगे पैन को फिर से। ये थोड़ा सा आलू डालने के बाद थोड़ा सा भारी हो जाता है तो टूटने का डर रहता है। अभी हम इस साइड से इसको 2 मिनट के लिए पका लेंगे। यहाँ पर हमारा ऑमलेट जो है वो दोनों तरफ से अच्छे से पक गया है। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। ये देखिए, ये दोनों तरफ से एकदम परफेक्टली कुक हो गया है। अभी हम इसको काट लेंगे। जिस तरह से पीसेस में आप इसको सर्व करना चाहे उस तरह से आप इसको काट सकते हैं। मैं इसको इस तरह से काट रही हूँ। बीच में से हम इसको ऐसे काट लेंगे, फिर ऐसे हॉरिजॉन्टली और एक इस तरह से कट लगा लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमारा ऑमलेट तैयार हो गया है। इसको गर्मा गर्म ऑमलेट को आप टोमेटो केचप के साथ सर्व करिए। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत फिलिंग भी होता है।
उम्मीद है सबके रेसिपी मेरा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल बटन होता है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। जल्दी ही मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।